नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी अबाउट मैरिज, कि लेट मैरिज हो रही है, गुण मिलान क्या होता है, मांगलिक क्या होता है। उसमें मैंने आपसे दो ग्रहों की बात करी थी, गुरु और शुक्र, जो कि कारक होते हैं शादी के, जो कि हम देखते हैं शादी के समय में। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि गुरु की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है, उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जब हम मैरिटल एस्पेक्ट की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं। तो आज जो है हम स्पेसिफिकली गुरु की बात करेंगे कि यदि गुरु हमारी कुंडली में कमज़ोर है तो हम क्या करें, और गुरु जो है शादी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिस जो जो है हम जो है जिस गुरु से देखते हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम मैरिज, स्पेशली एक लड़की की कुंडली में जो है जुपिटर गुरु जो है वो बताता है हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड की क्या पोजीशनिंग होगी, हस्बैंड किस तरह का होगा। ये जो है हम जुपिटर की स्थिति देख के जो है शादी कुंडली में जो है बता सकते हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो प्लैनेट है विजडम का, नॉलेज का, तो एजुकेशन के लिए भी जो है हम जुपिटर की पोजीशनिंग देखते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा विजडम की, आप कितने समझदार हैं, आप कितने मेच्योर हैं, ये भी जो है गुरु बताता है। बॉडी पार्ट्स में लिवर की फंक्शनिंग जो है वो गुरु रूल करता है, तो अगर यदि लिवर रिलेटेड कोई एलिमेंट है तो आप जुपिटर को अपने स्ट्रॉन्ग और करिए। एजुकेशन तो हो ही गई, बच्चे होना, इनफर्टिलिटी इज़ बिकमिंग अ वेरी बिग इशू दीज डेज। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि जी बच्चे नहीं हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं, इसके केस में भी जो है हम जुपिटर की पोजिशनिंग जो है पत्री में देखते हैं। तो क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि जुपिटर जो है स्ट्रांग हो। देखिए, जुपिटर जो है का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, और थर्सडे जो दिन है वो दिन है गुरु का। और जैसे मैंने कहा कि नॉलेज के का भी प्लैनेट है जुपिटर, तो जो लोग पढ़ रहे हैं या जो चाहते हैं कि अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करें, तो वो लोग जो है खास करके थर्सडे वाले दिन जो है स्टडी रिलेटेड चीज़ें जैसे कि बुक्स हुई, पेंसिल हुए, या स्टेशनरी हुई, या कुछ ऐसी किताबें जो बच्चों को चाहिए, जो बच्चे नीडी हैं उनके लिए ज़रूर उनको चाहिए, तो ऐसे लोगों को जो है आप थर्सडे वाले दिन इन सब चीज़ों का दान ज़रूर करें। जो लड़कियां जो अनमैरिड हैं, जो चाहती हैं कि उनको अच्छा हस्बैंड मिले, वो जो है थर्सडे वाले दिन गाय को जो है गुड़ और चना ज़रूर खिलाएं। अगर आपको गाय नहीं मिल रही है तो आप किसी को भी जो है चना और गुड़ का, या चने की दाल और गुड़ का जो है दान ज़रूर करें। एक जो है मंदिर में जो है केले का पेड़ ज़रूर लगवाएं और उसमें जो है जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी जो है आपका गुरु स्ट्रांग होगा। उसके अलावा चंदन का टीका या केसर का टीका ज़रूर लगाएं, ये इससे भी जो है आपके गुरु को स्ट्रेंथ मिलेगी। और थर्सडे वाले दिन जो है पीले रंग के कपड़े ज़रूर पहने। गुरु, जैसे मैं कह रही हूँ गुरु शब्द, तो गुरु जो है हम टीचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गुरु, गुरुकुल, गुरु शिष्य की परंपरा हमारे कल्चर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। तो आप जो है अपने गुरुजन को गुरु समान, लोग फादर भी गुरु समान होते हैं फादर को, और जो भी आपके गुरु हैं उनको ज़रूर रिस्पेक्ट करें, उनकी ज़रूर हेल्प करें। ऐसा करने से भी जो है आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। सो प्लीज़ डू ऑल दीज थिंग्स, और आप देखिएगा वेदर इट इज़ एजुकेशन, या आपके बॉडी में लिवर फंक्शनिंग की बात है, या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी लाइफ में जल्द ही समस्या आपकी जो है बिल्कुल सॉल्व होगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू गिव मी योर फीडबैक ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम। ऑन एस्ट्रो रिधि बहल इज़ माई हैंडल, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।